ब्रेक के बाद आपके स्वागत है। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना पाल रखी है तमिलनाडु के दो भाइयों ने। पंडित द्रुई डी और कार्तिक केन डी तमिलनाडु के गांव के बेलागुंडी जिला सिम्बंगाई के रहने वाले ये दोनों भाई गिनीज बुक और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 501 मंदिर यात्रा करने के लिए घर से निकल चुके हैं। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना पाल रखी है तमिलनाडु के दो भाइयों ने। पंडित दुरई डी और कार्तिक केन डी तमिलनाडु के गांव के बेलागुंडी जिला सिम्बंगाई के रहने वाले ये दोनों भाई गिनीज बुक और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ये 501 मंदिर यात्रा करने के लिए घर से निकल चुके हैं। घर से इन्हें पूजा अर्चना के साथ और सभी ग्रामीणों ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा के लिए रवाना किया। इनके परिजनों और स्थानीय लोगों ने इनकी सफलता के लिए दुआएं भी मांगी हैं। 501 मंदिर 32 राज्य 13,000 किलोमीटर का सफर ये पूरा करेंगे। इन दोनों भाइयों ने 7 नवम्बर को यात्रा शुरू की है और इन्होंने अब तक लगभग 28 दिनों में 318 मंदिरों की यात्रा पूरी कर ली है, जिनमें विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी का मंदिर 318वां मंदिर है। और अभी अपना पूरा टारगेट 501 मंदिरों की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। मंदिर से नैना देवी में पहुंचकर जहां पर मां के दर्शन किए, पुजारी हरीश शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। वहीं पर इन्होंने मां से आशीर्वाद मांगा, माता इनको अपने उद्देश्य में सफल करें और वे गिनीज बुक और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा सकें। हालांकि 501 मंदिरों की यात्रा करने पर इन्हें 13,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इन दोनों का कहना है कि कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं और इन्होंने 501 मंदिरों की यात्रा करके अपना नाम दर्ज करवाने की हसरत पाल रखी है और इसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। We both are brothers from the same family. We started our journey from 7th November 2019. 7th November? 7th November. It is 28th day we are doing this darshan. So our aim is to cover 501 temples all over India. And we started our journey in Tamil Nadu, the place called Velangudi. The first temple we visited is Ganesha temple. Then we went to Kanyakumari. The final temple, 501 temple also, it is in my same village, is Perinaiyamman temple. And today we are at 28th day and we are completing 318 temples, and Naina Devi temple is 318, and we have another 182 temples are yet to visit. So till now we have covered 10,220 kilometers we have covered till date, and so this is all about. And we are also trying for a Guinness World Record. The temples what we are visiting right now is all the Shiva temples, Jyotirlingam we are trying to visit, and also we are also trying to visit Shakti Peeths all over India, and all ancient old temples. The main motto of this temple is connecting the youngsters through the spirituality, through photography, travel, car, and youngsters. So this is how we are trying to do on